जय गुरुदेव। थैंक यू बच्चों। आज का जो दिन है, सबसे पहले मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उपस्थित श्रद्धेय एयर कमोडोर SS त्रिपाठी सर, ग्रुप कैप्टन वेणुगोपाल सर, प्रोफेसर SP श्रीवास्तवा भटनागर मैम, डीन एकेडमिक्स मैडम, डेप्टी डीन एकेडमिक्स मैम, ऑल द डीन्स, डेप्टी डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और डियर स्टूडेंट, कुछ अगर शुरुआत की जाए स्वतंत्रता दिवस के उस उपलक्ष में, तो मैं चाहूंगा कि ये दो जो पंक्तियां हैं उनसे अगर शुरुआत हो तो कुछ अलग ही अंदाज आएगा। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, ये बात हवाओं को भी बताए रखना रोशनी होगी, चिरारों को भी जलाए रखना। ये बात हवाओं को भी बताए रखना रोशनी होगी, चिरागों को भी जलाए रखना। आगे सुनिए, लहू देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ये वाकई ये जो तालियां हैं बता रही हैं कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले तिरंगा लहराया, तिरंगे को सलूट किया, जन गण मन गाए और साथ में अब ये रंगारंग प्रोग्राम का पूरा लुत्फ उठाएंगे। उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है एक गुलदस्ते की तरह आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। आज के मुख्य अतिथिगण का मैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, अगर इसके जर्नी के बारे में मैं बताऊं तो शायद सभी को याद है कि 1957 में जब मंगल पांडे ने एक शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ, कि अब ये जो रूलिंग है वो सही नहीं जाती और कहीं ना कहीं एक विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन 1958 में अट्ठारह सौ अट्ठावन में भारतीय अधिनियम पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा, जिसके अनुसार सीधा भारत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। धीरे धीरे समाज ने अपना रिफॉर्म लाया और करते करते इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और करीब 1930 के दशक में एक लंबा समय रहा जिसमें कानूनी सुधार, दूसरी सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसमें भारत की भूमिका, कांग्रेस द्वारा असहयोग और अब देखिए 1929 में एक शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता दिवस मनाने की और वो स्वतंत्रता दिवस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज स्थापना की मांग कर ली।
और करीब करीब 1930 से लेके 1950 तक 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। वो इसलिए कि जो लाहौर पैक्ट में एक इनिशिएशन हुआ था पूर्ण स्वराज का, वहां से ये कॉन्सेप्ट चलते आया। लेकिन हाँ, बात जरूर है, जब भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बात कही तो ये 26 जनवरी 1950 से फिर हम गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत किए। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे वीरों ने, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से एक पूरा जर्नी लिखा, जिसमें कि बहुत सारे वीरों का योगदान रहा, जिसमें कि मैं बताऊं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी, मुझे तोड़ लेना बलवानी, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। लेकिन ये जो वीरों का सिलसिला था वो 1950 के बाद अब दूसरा रूप ले लिया, जिसमें आप सभी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, इंप्लीमेंटेशन किया, और ये माना कि हम एक इसी गाइडलाइंस और इसी पथ पर चलेंगे, जिसमें कि आपके प्रस्तावना की बात हुई, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हुई, या फिर जो आर्टिकल 51A है ड्यूटीज, इन सब में एक बहुत ज्यादा रिफॉर्म आया, जिसमें कि आप कह सकते हो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, या लोगों के न्याय दिलाने की बात हुई आर्टिकल 39A, या लोगों के कर्तव्यों की बात हुई आर्टिकल 51A, बहुत सारे अमेंडमेंट्स, चाहे 42nd अमेंडमेंट हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, या 44th अमेंडमेंट हो, जिन्होंने कि एक लैंडमार्क सेट कर दिया आज के दौर में, जिसमें कि आप सभी फिर बदलाव की बात करते हैं, जैसे खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एक नई शुरुआत हो गई इंडियन पीनल कोड CRPC, या एविडेंस में चेंजेस की बात। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक तरह से एक अलग से मुकाम सेट करने का, क्योंकि जिस तरह से सिविलाइजेशन बढ़ती है, सिविलाइजेशन डिमांड करती है, उसी हिसाब से कानून भी चेंज होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे एकदम लाइंड अप हैं। कुछ पंक्तियों के साथ में मैं इसको विराम देना चाहूंगा। एक तरह से जो ये जर्नी रही है वो भारत, या जो महर्षि जी ने एक राम राज्य की स्थापना की बात कही, या गुरुकुल की बात कही, उनको दो पंक्तियों में समेटा है। कैसे? सदियों से भारत गुरुकुल है, सदियों से भारत गुरुकुल है, धरती पर रहने वालों का शिक्षा, त्याग, तपस्या, कर्म, शिक्षा, त्याग, तपस्या, कर्म, प्रेम करुणा बरसाने वालों का जड़ चेतन है, सब में ईश्वर है, हम सब में है ईश्वरीय अंश, है धरती स्वयं विश्व रूपा, दक्षिण से लेकर उत्तरी अक्षांश, है विश्व एक कुटुंब स्वरूप, यह भारत की अवधारणा है, सब रहे निरोगी सभी सुखी। लास्ट के वर्ड सुनिएगा, सब रहे निरोगी सभी सुखी, भारत की यही कामना है, भारत की यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।